तो सर, आप हमारी ऑडियंस के लिए कौन सी ऐसी दो हर्ब्स रिकमेंड करेंगे जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनको बेटर नींद आ जाए और उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं हो? इंसोम्निया, इसे हम बोलते हैं नींद आने को, और इंसोम्निया को आयुर्वेद में अनिद्रा भी कहते हैं। दो हर्ब्स जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, पहला सर्पगंधा और दूसरा वचा। लेकिन इसको लेना चाहिए डॉक्टर के परामर्श के बाद ही, ताकि वही आपको बता सके कि इसकी एग्जैक्ट डोज क्या है, कब लेना है और कितनी मात्रा में लेना है। राइट आर्यवाणी मैम, इसके साथ आप ही हमें बताइए कि साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में कौन से ऐसे दो टिप्स हैं जो हम अनिद्रा के लिए दे सकते हैं या नींद ना आने की वजह से। आजकल के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली रात को सोशल मीडिया या किसी भी तरीके का फोन यूजेज बढ़ चुका है, जिससे हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो नंबर वन चीज जो मैं कहूंगी, दैट विल बी सोने से 3 घंटे पहले अपना फोन साइड पे रख दो, स्विच ऑफ कर दो, अगर आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है। और अगर नहीं है और आप अपना फोन यूज करते हैं तो हो सकता है आपको हो जाए, सो बी अवेयर। एंड सेकेंड थिंग, अगर नींद नहीं आती है, ब्रीदिंग करें। आप सीधा लेट जाएं शवासन में, अपना एक हाथ अपने हार्ट पे रखिए, दूसरा अपने डायफ्राम पे रखिए और अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करिए, और आप रियलाइज करेंगे कि धीरे धीरे आप बिल्कुल शांत और नींद की अवस्था में चले जाएंगे। और इकलौता ऐसा सेंटर आयुर्वेद आश्रम जहां पर आपको आयुर्वेद और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगी, चाहे कोई भी सेंटर हो, अमृतसर, गुड़गांव या मोहाली। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए विद द मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स एंड आयुर्वेदाचार्य एट आयुर्वेदा योगाश्रम।